देसी एग्रो में आपका स्वागत है। यहाँ सामने आप देख सकते हैं हमारे ट्रैक्टर का आगे वाले टायर की जो बैरिंग है वो फूट गई है। इस टाइम धान की रोपाई के लिए खेत तैयार किया जा रहा है, तो ये कॉमन प्रॉब्लम होती है धान के सीज़न में, क्योंकि टायर जो होता है वो मैक्सिमम पानी में ही रहता है और उसकी वजह से अलसिल वगैरह लीक हो जाती हैं, तो उसमें पानी चला जाता है तो वो बैरिंग ख़राब हो जाती है। तो इस वीडियो में हमने पूरी तरह शूट किया हुआ है, कवर किया हुआ है कि अगर आपके अगले टायर की बैरिंग फूट जाती है, ख़राब हो जाती है, तो उसको कैसे आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। यहाँ पे हम कार का जैक यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि इसको खोलने से पहले हम वहाँ पे जैक लगा लेंगे ताकि टायर को ऊपर करना होगा, तभी हम निकाल पाएंगे। और यहाँ पे चीरा पिन है, उसको हम पहले चीरा पिन को निकालेंगे, फिर इसके नीचे एक चक नट बोलते हैं जिसको, नट होता है, उसको खोल के निकालेंगे। उसके बाद हम बैरिंग्स को बाहर निकालेंगे और टायर को बाहर निकालेंगे। इनर बैरिंग, आउटर बैरिंग दोनों बैरिंग को चेक किया जाएगा, कौन कौन से डैमेज हैं, फिर उनको चेंज किया जाएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करें। ये हम जिस गाड़ी की बैरिंग चेंज कर रहे हैं, ये है स्वराज 744 सेफी, और इसमें प्रॉब्लम आई थी। तो जो भी बंदा जिसके पास भी 744 है, अगर उसको प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो को देखे, उसको बेहतर आइडिया होगा। और ये बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं है, इसको आप आसानी से अपने घर पे भी आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। हम लोगों ने इसको घर पे ही किया, और आप किसी भी ट्रैक्टर का सारा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एक ही जैसा होता है। कोई भी ट्रैक्टर आप चला रहे हैं, किसी भी कंपनी का हो, सबका ऐसे ही होता है। तो आप इस वीडियो को देखें, आपको आइडिया होगा। इसकी वायरिंग्स आप देख सकते हैं, ये आउटसाइड वाली हैं और इनर साइड की यहाँ पे है। तो देखते हैं कौन कौन सी डैमेज है। ये ऊपर की जाली, ये डैमेज हो चुका है, ये भी लग रहा है पूरी तरह, तो हम इसको चेंज करने वाले हैं। ये इसका कॉलर है अंदर वाला, और इसके पीछे एक ऑयल सील लगी हुई है, उसको भी हम निकालने वाले हैं। बैरिंग्स हमने निकाल लिए हैं, वो ख़राब हो चुका है। अब हम इसके हब के अंदर देख लेते हैं कि कहीं कोई चर मतलब कोई लोहे का टुकड़ा वगैरह तो नहीं फंसा इसके अंदर। इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद इसके अंदर कॉलर होगा, उस कॉलर को हम बाहर निकाल लेंगे, जो पुरानी वाली बैरिंग का है उसको निकाल लेंगे, और उसके बाद हम नए वाली बैरिंग और नया वाला कॉलर सेट कर लेंगे। तो पहले इसको साफ़ कर लेंगे ताकि किस तरीके का कोई लोहे का टुकड़ा ना फंसा हो जो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करे। यहाँ पे हम एक्सल रॉड को साफ़ कर लेंगे अच्छे से, ताकि उसमें मिट्टी वगैरह ना लगी हो, क्योंकि फिर हमें कॉलर जो इनर वाला है उसको डालना होगा, तो अगर मिट्टी वगैरह होगी तो वो जाम हो जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा नहीं। तो हम इसको पहले से अच्छे से साफ़ कर लेंगे। ये हमारी बैरिंग है नई वाली, देख सकते हैं आप, और अब हम इसको सेट करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई साहब साइज़ मिला रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि साइज़ छोटी या बड़ी है, अगर छोटी या बड़ी होगी तो प्रॉब्लम होगी। तो नंबर से आ जाता है, बट अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न लगता है तो आप बाहर ही चेक कर लें। यहाँ पे हम कॉलर निकालने वाले हैं, जो कॉलर पुरानी बैरिंग का इसके अंदर है, मैं दिखाता हूँ आपको वो निकलता कैसे है। हब के अंदर दो घाट बने होते हैं जिस पे हम लोहे को लगा के ठोक रहे हैं, इसके बाद कॉलर बाहर की तरफ आ जाएगा। इसके अंदर दोनों साइड में एक घाट बना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इसमें कॉलर सेट करने वाले हैं बैरिंग का, तो देखें आप इसको कैसे सेट करना है। कॉलर को रखिए, उसके बाद एक रॉड ऊपर रखिए और धीरे धीरे ठोकिए ताकि वो अंदर की तरफ अच्छे से चला जाए। और आप देखें, यदि ये पूरी तरह जब अंदर बैठ जाएगा, सरफेस एकदम बराबर हो जाएगा हब का और कॉलर का, तो उसको अंदर डालने के लिए जो पुराना वाला कॉलर है उसको ऊपर रख के हम ठोकेंगे। जैसा आप अभी देख सकते हैं, इससे जो नीचे वाला है वो पूरी तरह जाके अपनी जगह पर सेट हो जाएगा और ऊपर वाला हम बाहर निकाल लेंगे। इससे क्या होगा कि एकदम सही तरीके से सेट होगा। यदि हम हथौड़ी से सीधे सीधे ठोकेंगे अगल बगल, तो हो सकता है कि उसमें टेढ़ा चला जाए, तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इस तरीके से पूरी तरह सीधा जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि कॉलर अंदर जा चुका है और हम उसको फाइनल चेक कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इसकी ऑयल सील लगा रहे हैं और हम फाइनली अपना टायर सेट करने वाले हैं। हमने बैरिंग्स लगा लिए, मतलब कॉलर सेट कर लिया है,
और हम टायर लगाने के बाद उसमें ग्रीस डाल के बैरिंग को अंदर डालेंगे। ये बैरिंग में हम ग्रीस डाल रहे हैं और इसके बाद हम इसको सेट कर देंगे। नहीं, छोटी वाली बैरिंग हमारी सही है इसलिए हम उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, पुरानी वाली ही हम ग्रीस लगा के दोबारा लगा रहे हैं इसमें। यहाँ पे हमने बैरिंग्स को अंदर डाल दिया है यहाँ पे, और इसके बाहर एक वॉर्सल है, उस वॉर्सल को डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें चेकनट लगाने वाले हैं। ये हमारा चेकनट, इसको हम साफ़ कर लेंगे, उसके बाद हम इसको लगा देंगे। और इसको लगा के हम इसको टाइट करेंगे, हमें इसको इतना ही टाइट करना है कि हमारा जो व्हील है वो आसानी से घूमे, उसमें जाम नहीं होना चाहिए। वो मैं वीडियो में आपको दिखाता हूँ। टाइट करना है, फिर चेरा पिन डालना है और उसको देखना है कि वो प्ले रहे, मतलब टायर जो है, जो आपका व्हील है वो अच्छे से राउंड उसका बने, कहीं पे वो पकड़े ना और ना जाम हो। ठीक तो है। कितने नंबर का इंच लगा इसमें भैया? 32। 32 नंबर का लगा है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है इसको, सिर्फ ये जाम नहीं होना चाहिए। टाइट होने के बाद ये फ्री होना चाहिए, टायर जाम नहीं होना चाहिए। फ्री है। चीरा पिन वाला एरिया है, वहाँ से चीरा पिन उसमें डाल दिया जाएगा। तो चेक, ठीक। फाइनली सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है और हमने बैरिंग सेट कर ली है। अब हम बैरिंग के बाहर का कवर जो है व्हील के बाहर, उसको हम लगाने वाले हैं। जैसा आप देख सकते हैं हम उसको टाइट कर रहे हैं, और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें देसी एग्रो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Okay.